Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. And today's topic is M is an R. बहुत बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये वर्ड्स कहाँ पे यूज करने चाहिए, कहाँ पे एम होना चाहिए, कहाँ पे इज होना चाहिए या कहाँ पे आर होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में ये कहाँ पे होना चाहिए सीख लेंगे और इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है। चलो करते हैं एक मजेदार वीडियो को शुरुआत। और उससे पहले अब हमारे वेबसाइट्स एंड्रॉइड एजुकेशन गेम एंड ट्रैप चैनल जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, प्लीज जाके चेक कीजिएगा। Okay. M is an R. See here. There are three words that we use often. Whenever we talk about ourselves or about others, they are M, is and are. मतलब ये तीन words है जो हम बहुत बार यूज करते हैं। Whenever we talk about ourselves, जब हम हमारे बारे में कहते हैं या किसी और के बारे में कहते हैं, तब ये तीनों words यूज होते हैं, M, is and are. Okay? There are the ways in which M, is and are used. तो ये वे जो है आज हम वही सीखने वाले हैं कि ये कहाँ पे यूज होते हैं। ओके तो चलो पहला वर्ड देखते हैं। आई एम अ डॉक्टर, ये डॉक्टर है। तो जब ये खुद के बारे में कहते हैं आई बोलते हैं, वहाँ पे M आना चाहिए। जब हम आई कहते हैं तो वहाँ पे M आना चाहिए। तो आई के साथ हमेशा एम आता है, तो एम इसका कंफ्यूजन दूर हुआ। अभी रह गए सिर्फ इज एंड आर। ओके चलो देखते हैं। वी आर डॉक्टर्स, मतलब एक से ज्यादा रहेंगे तो वहाँ पे आर आता है। जहाँ पे ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तभी आता है आर, और जब हम खुद के बारे में बात करते हैं और हमेशा आई के साथ एम यूज होता है। ओके तो आर भी समझ में आया। अभी अभी इज कहाँ पे होता है वो भी देखेंगे। यहाँ पे देखो दो डॉक्टर्स है, इसीलिए दे आर सेइंग वी आर डॉक्टर्स, मतलब हम डॉक्टर है। और यहाँ पे ये अकेला है, इसलिए वो क्या कहता है, मैं डॉक्टर हूँ। ओके तो आई एम और वी आर। यहाँ पे देखो यू आर, तो यू के साथ भी हमेशा क्या आता है, आर। जैसा वहाँ पे सिंगल हो या डबल हो, जैसे हमने क्या कहा था आई के साथ एम आता है, उसी तरह यू के साथ हमेशा आर आता है। तो यू आर अ ड्राइवर, मतलब तुम ड्राइवर हो। तो यहाँ पे यू आर ड्राइवर्स। यहाँ पे एक से ज्यादा है तो भी आ रहा है, इसका मतलब हमें पता चला कि यू के साथ हमेशा आर ही आता है। अगर वो सिंगुलर हो तो भी और प्लूरल हो तो भी। यहाँ पे दो ड्राइवर है, इसलिए उनको क्या कहते हैं हम, यू आर ड्राइवर्स, मतलब तुम सभी ड्राइवर हो। और यहाँ पे एक अकेला है तो बोलते हैं तुम एक ड्राइवर हो। चलो और देखते हैं कुछ एग्जांपल। यहाँ पे देखो शी, तो जैसा आई के साथ एम आता है, ओके यू के साथ आर आता है, उसी तरह शी के साथ इज आता है। शी इज अ डांसर, वो डांसर है। शी इज मतलब वो, किसी लड़की के लिए शी कहते हैं और लड़का रहता है तो उसके लिए कहेंगे ही। शी के साथ हमेशा क्या आएगा, इज। दे आर डांसर्स, यहाँ पे क्या है, दे के साथ आर आ रहा है, मतलब अगर वो ज्यादा है डांसर एक है तो शी इज डांसर, और ज्यादा है तो दे आर डांसर्स। यहाँ पे दो है तो इसीलिए क्या आ रहा है भाभी, आर। तो आर हमेशा दे के साथ आएगा, शी के साथ अलवेज इज आएगा और सिंगुलर रहता है। तो अभी धीरे धीरे आप समझ रहे हो कैसे, कहाँ पे एम करना है यूज, कहाँ पे इज यूज होना चाहिए और कहाँ पे आर। चलो कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे देखो ही इज अ सोल्जर, तो शी और ही इनके साथ हमेशा इज रहेगा। ही इज अ सोल्जर मतलब यह एक सैनिक है। दे आर सोल्जर्स, वो सारे सैनिक है। दे आर सोल्जर्स मतलब एक से ज्यादा है, इसीलिए दे आर, तो दे के साथ हमने आर यूज किया। तो आर हमेशा याद रखना प्लूरल के लिए ही होता है, जब एक से ज्यादा रहेंगे तो ही
आर आएगा, नहीं तो इज और आई के साथ एम। चलो अब तुम लोग समझ गए हो। यहाँ पे और एक एग्जांपल है, आई एम अ गर्ल, ये गर्ल है, आई के साथ हमने क्या बोला था एम आता है, करेक्ट। तो आई एम अ गर्ल, और वी है तो वी आर गर्ल्स, मतलब हम लड़कियां है। ठीक है भाभी, समझ में आया? तो चलो यहाँ पे रूल्स देखते हैं। एम इज यूज्ड ओनली विथ आई, तो एम सिर्फ आई के साथ ही आता है। इज इज यूज्ड ही शी एंड इट, ये तीनों के साथ इज आएगा, आइदर ही, आइदर शी और आइदर इट। और आर किसके साथ आता है? वी यू एंड दे, ओके। तो इन तीनों के साथ आर आता है। तो ये तीन रूल हमेशा याद रखना, आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज, एंड यू वी दे के साथ आर। समझ लिया? चलो लेते हैं टेस्ट, देखते हैं आप लोगों ने कितना समझा है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद एम इज और आर करेक्टली। पहला है यू डैश अ टीचर, यू आर अ टीचर, राइट, यू आर अ टीचर। बी ही डैश आवर नेबर, इज, इज, राइट, ही इज, ही के साथ इज आता है। वी डैश स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट, राइट, आर, वी के साथ आर आता है। आई डैश एन इंजीनियर, आई एम, राइट, आई के साथ हमेशा एम आता है। दे डैश चिल्ड्रन, आर, दे आर चिल्ड्रन, करेक्ट भाभी। आई डैश अ चाइल्ड, आई एम अ चाइल्ड, यस, आई एम अ चाइल्ड। Once again, I dash in the house. M. Yes, I am in the house. It dash a fan. It is a fan. It is a fan. Correct, Bhavi. We dash friends. We are friends. Right, we are friends. We ke saath hamesha aa rahega. Aayega. He dash my best friend. He is my best friend. Right, he is my best friend. And they dash cleaning room. They are cleaning room. Right, they are cleaning room. And last one is she dash a very smart. She is a very smart. Right, she is a very smart. Okay. तो आप लोगों का ये confusion दूर हो गया? हाँ. M is an R का concept clear हो गया? हाँ. Good. तो मजा आया ना इस video में? हाँ. Okay. तो यही पे हमारा ये lesson खत्म हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हंसो खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ, बाय।